तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं लाइव प्रूफ मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं इनकी जो मंथली इनकम है, इस कंटेंट पे इन्होंने वर्क किया है, इनकी $379 से $6,000 मंथली इनकम है। और ये इनकम जब है, जब ये अपने चैनल पे काफी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे फिर भी इनकी चैनल की कमाई हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का कॉन्टेंट होगा कि लाइफ टाइम चलने वाला कॉन्टेंट है। और मैं आज आपको एक नहीं दो लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको, ये $379 है, अगर हम इनको रुपीज में कन्वर्ट करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 31,000 से इनकी अर्निंग स्टार्ट है और $6,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। मैं 6,000 ही ले लेता हूं, तो आप देख सकते हैं 4-5 लाख के करीब ये अर्निंग अब भी कर रहे हैं मंथली। और मैं आपको दूसरा चैनल भी यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है। ये दूसरे चैनल की अर्निंग आप देख सकते हैं, मैंने आपको दो दो लाइव प्रूफ दिए ताकि आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो है $372 से $6,000 तक की अर्निंग ये भी कर रहे हैं, और ये भी अपने चैनल पे काफी टाइम से कंटेंट नहीं डाल रहे, लेकिन फिर भी इनकी अर्निंग अब भी हो रही है। तो मैंने दोनों चैनल आपको दिखा दिए, ठीक है। लाइव प्रूफ सबसे पहले आपको दिखा दिया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस डालकर थक चुके हैं और आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं और आप यूट्यूब छोड़ने जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा कॉन्टेंट आइडिया लेकर आया हूँ जिस पर अगर आप वर्क करेंगे और वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालेंगे तो आपकी वीडियो के ऊपर हज़ारों में नहीं लाखों में व्यूज़ आएंगे। चाहे आपका चैनल पुराना हो या नया हो, आप YouTube से बिना फेस दिखाए ही हजारों लाखों रुपए महीने के कमा पाएंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से इस कंटेंट पे वर्क करना है। लाइव प्रूफ मैंने आपको पहले ही दे दिया ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं YouTube एप्लीकेशन के अंदर चलता हूं और आपको वो चैनल्स दिखा देता हूं जिन्होंने इस कंटेंट पे वर्क किया है और यहां से वो लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। तो मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं। सबसे पहले रीस्टोर मशीन्स इस नाम का चैनल आपको सर्च करना है और ये ऊपर ही आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्टोर मशीन्स 1.37 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। सिर्फ 30 वीडियोस ही इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके कितने ज़्यादा मिलियंस में सब्सक्राइबर यहाँ पे हैं। इनकी वीडियोज़ की मैं बात करूँ तो वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाके हम जब अगर पॉपुलर में जाएँ तो आप देख सकते हैं 69 मिलियन व्यूज़, 28 मिलियन व्यूज़, 18 मिलियन व्यूज़, 18, 17, 15, आप जितने भी नीचे जाएंगे आपको मिलियंस में ही इनकी सारी वीडियोस पे व्यूज़ मिलेंगे। आप देख सकते हैं लेटेस्ट में देखूं तो एक साल पहले इन्होंने डाली है, ठीक है, 155K व्यूज़, 2.3 मिलियन व्यूज़। और इनका जो कंटेंट है आप खुद जाके देखेंगे अपने यूट्यूब की एप्लीकेशन में जाके आप खुद इनका कंटेंट देखेंगे तो ये क्या करते हैं कि कोई भी पुरानी चीज़ है उसको नया करके ये बना के दिखाते हैं। जैसे टूटी फूटी ये गाड़ियाँ हैं, इनको ये नया कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी नए पुरानी चीज़ यहाँ पर कबाड़ा हुई आती है और इन वीडियोज़ के अंदर ये इनको नया कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने लॉन्ग वीडियोज़ डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से मैं अगर आपको दूसरा चैनल दिखाऊं और इसकी अर्निंग भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, यानी दो चैनल को मैं यहाँ पे अब दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, जिनकी मैंने अर्निंग स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो दूसरा चैनल है माई मैकेनिक्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके 3.39 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 48 वीडियोज़ इन्होंने डाली हैं और इन पर आप देख सकते हैं टिक भी लगा हुआ है, मतलब ये मोनेटाइज भी है और वेरीफाइड भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी वीडियोस वाले सेक्शन में अगर मैं जाऊँ तो इन्होंने 4 महीने पहले वीडियो डाली थी, 2.2 मिलियन व्यूज़ आए हैं, 8 महीने पहले डाली थी 11 मिलियन, और पॉपुलर की बात करूँ तो 77 मिलियन, 40 मिलियन, 39 मिलियन, 31 मिलियन, 30 मिलियन, कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं। और इनकी वीडियोज़ भी अगर आप देखेंगे चला के तो सेम वैसी ही है, ये नई चीज़ को, कोई भी पुरानी चीज़ होती है उसको नया करते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है उसमें उसे नया करते हैं। जैसे पुरानी गाड़ी हो, ये आप देख सकते हैं पहिए ताला
देखिए ये पुराना कैसा है और यहाँ पे नया कैसा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये नया कर देते हैं, जैसे पुरानी प्रेस नई प्रेस कर दी इन्होंने, ठीक है, या उसमें कोई भी दिक्कत होती है उसे ठीक करते हैं। तो इस तरीके की वीडियो का कॉन्टेंट अब आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम बिल्कुल बाहर आ जाएंगे और अब आपको अपने 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों की हेल्प से आपको कंटेंट लेना है। इन तीनों पे आप सर्च कर सकते हैं किसी पे भी, मैं आपको एक पे बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आप तीनों एप्लीकेशंस में से किसी पे भी जाके कंटेंट वहाँ से वीडियो वहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताता हूँ, यहाँ पे आपको सर्च बार में आना है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आपको लिखना है रिस्टोरेशन वीडियोस। जैसे ही आप लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ढेरों वीडियोज़ यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको रील्स के अंदर जाना है। रील्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने रील्स आ जाएंगी और आपको शॉर्ट्स वीडियो वाला जो चैनल बनाना है अपना, ठीक है, शॉर्ट कंटेंट का मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको जो प्रूफ दिखाया वो लॉन्ग वीडियोस थी सारी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप शॉर्ट कंटेंट बनाएं तो आपको और ज़्यादा आपको इससे अर्निंग होगी, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट्स भी मोनेटाइज होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का कॉन्टेंट आपके सामने देखिए रील्स आ गई सारी, ठीक है, नया को पुराना करने वाली, ठीक है। यहाँ से अब आपको किसी भी एक रील को या आप जितनी रील्स चाहें वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी रील्स आपके सामने आ गई, ये देखिए, ठीक है। तो मैं कोई भी एक रील डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। डाउनलोड करने के लिए आपको रील को ओपन करना है और उसके लिंक को कॉपी कर लेना है। तो जैसे ये वाली वीडियो है, ठीक है, 703, ठीक है, 703 के इस वाली वीडियो को हमें डाउनलोड करना है। तो मैंने इसे ओपन करके इसके लिंक को कॉपी कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बैक आना है। इसको डाउनलोड करने के लिए हमें क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाना है। तो हम चलेंगे क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है इंस्टाग्राम रील डाउनलोडर, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोड। यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप किसी पे भी क्लिक कर लें, ठीक है, किसी भी एक पे आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप अपने लिंक को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे आप लिंक पेस्ट करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो वीडियो भी आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो आ गई। और यहाँ पे जैसे आप download.mp4 पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। मैंने डाउनलोड कर रखी है आपको सिखाने के लिए। इस तरीके से आपको यहाँ से वीडियोस लेनी है, ठीक है, वीडियोस लेनी है, कोई भी वेबसाइट्स आप खोल सकते हैं, ठीक है। वीडियोस लेने के बाद अब आपको क्या करना है, उसमें एडिटिंग कैसे करनी है, एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए मैं तो काइनमास्टर यूज़ करता हूँ। आप जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसे अब आपको ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर काइनमास्टर की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे काइनमास्टर के एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ये इसका इंटरफेस है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और हमें शॉर्ट वीडियो बनानी है। तो 9:16 हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, 9:16 मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने जो वीडियो डाउनलोड की थी उस वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे मीडिया पे हमें क्लिक करना है और गैलरी के अंदर जाके उस वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। तो मैंने उस वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसकी साउंड को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। ये एक देख सकते हैं आप वीडियो है, इसमें जंग लगा हुआ है एक बॉक्स में और इसका जो ये जो यहाँ पे नट है ये खुल नहीं रहा है। तो ये इन्होंने खोला है, देखिए इस पर काफ़ी सारी चीज़ें ऑयल वगैरह लगा के इन्होंने इसे ओपन किया है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, जहाँ से हमारी वीडियो शुरू हो रही है ये तो शुरू होनी है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे जहाँ पे लास्ट में एकदम बिल्कुल खुलने लगे वहाँ तक इसे थोड़ा सा बीच में से क्रॉप कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर लेके आया, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने इसे यहाँ पे इन्होंने ये ऑयल लिया, इसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इस वीडियो को और कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्प्लिट कर दूँगा इसको, स्प्लिट एट प्ले हेड। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये किया, ठीक है, इतना। फिर मैं यहाँ पे ये फिर से ऐसे यहाँ तक लाके, ठीक है, जहाँ तक फिर से कैंची पे क्लिक करके फिर मैं इसे स्प्लिट एट प्ले हेड करूँगा और बीच में से इसको डिलीट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरी अब 20 सेकंड की वीडियो हो गई। आप शॉर्ट्स जो बनाएं वो 30 सेकंड का बनाएं कम से कम, ठीक है, ताकि आपको वॉच टाइम भी उस पर अच्छा मिले, क्योंकि व्यूज़ तो उस पर अच्छे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये कंटेंट ही ऐसा है, ठीक है। मैंने भी 20 सेकंड का ये बना दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। ये बनाने के बाद अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम भी कर लेना है इसको।
पैन एंड जूम वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा पकड़ के आपको जूम कर लेना है। ऐसे ही आपको जो दूसरा पार्ट हुआ आपका, और डन करके दूसरे पार्ट को भी यहाँ पे जूम कर लेंगे हम इस तरीके से। ये ऑटोमेटिक जूम हो गया, देखे ऐसे जूम होके डन कर देना है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, हल्का सा जूम रख लेना है। उसके बाद आपको अब इसमें क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेयर पे क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ वॉच दिस, ठीक है, ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट में रोबोटो ब्लैक ले लेता हूँ, रोबोटो बोल्ड ले ले या फिर ब्लैक ले लिए, बोल्ड ले लेता हूँ। ठीक है, बोल्ड ले लिया, बड़ा कर लिया। ठीक है, यहाँ पे नीचे ले आया इसको। कलर इसका मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कर लिया मैंने, या फिर आउटलाइन में यहाँ पे दे देता हूँ इसको वाइट कलर की। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, आप कुछ भी कलरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस को। ठीक है, पूरी वीडियो में आप ले जाएं इसको पूरी वीडियो तक। उसके बाद आपको इसमें अब क्या करना है, आपको इसमें वॉइस ओवर करना है। ये काम अगर आप कर लेंगे तो आपकी वीडियो 100% मोनेटाइज हो जाएगी और आपकी वीडियो ये आपकी बन जाएगी कम्प्लीटली, अगर आप इसमें वो वॉइस ओवर कर देंगे तो। तो यहाँ पे आपको सिंपल अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के लिए आपको ये रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और जैसे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। और रिकॉर्ड होइंग में आपको जो इसमें ये कर रहा है वो बोलना है। जैसे इसमें क्या कर रहा है, ब्लॉक ये अटक गया है, ठीक है, जंग लगने की वजह से, तो इसे खोल रहा है, इसमें ऑयल वगैरह दे के इन्होंने इसे कम्प्लीटली बाहर निकाल दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। बोलने के साथ साथ अब इसमें आप और क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। ये ऑडियो का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, उससे आपकी वीडियो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वॉइस ओवर और नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें और आपकी वीडियो पर लाखों में व्यूज़ आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। जल्दी से जाके इस पे वर्क कीजिए, चैनल बनाइए और YouTube से लाखों रुपए महीने के कमाइए। तो फ्रेंड्स, अब आप सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से इस कंटेंट पे वर्क कर सकते हैं। अब जल्दी से जाके इस पे चैनल बनाइए और कंटेंट अपना YouTube पर अपलोड कीजिए। आपका चैनल 100% मोनेटाइज भी होगा और आप पे कोई कॉपीराइट भी नहीं आएगा। और अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।